हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ होने वाला है रेसलमेनिया से पहले का सेकंड लास्ट रॉ। यानी कि गाइस, ये मंडे नाइट रॉ में हमें काफी कुछ बड़ी चीजें होते हुए दिखेगी। इसलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ, यानी कि 25 मार्च 2019 की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिल सकती है वो है कि कर्ट एंगल का रेसलमेनिया अपोनेंट चेंज होते हुए दिखे। तो गाइस, जैसा कि हम सब ने पिछले वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था कि कर्ट एंगल को चुनना था एक अपोनेंट उनके लास्ट मैच के लिए जो होने वाला है रेसलमेनिया 35 में, और गाइस उन्होंने चुना था किसी और को नहीं बल्कि बैरन कॉर्बिन को, जिसकी वजह से सारे ही WWE फैंस इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हो गए। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं कि ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि अब हमें कर्ट एंगल का अपोनेंट चेंज होते हुए दिखेगा, यानी कि बैरन कॉर्बिन के जगह अब हमें जॉन सिना फेस करते हुए दिख सकते हैं कर्ट एंगल को रेसलमेनिया 35 में। इसलिए अब देखना होगा कि क्या WWE बैरन कॉर्बिन को रिप्लेस करती है जॉन सिना से या फिर नहीं। इसी के साथ साथ गाइस, आप सबको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए एक मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है जो कि है बैरन कॉर्बिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। और गाइस, हो सकता है कि इस मैच में हमें WWE एक स्टोरी लाइन के रूप में ये दिखा दे कि बैरन कॉर्बिन हो चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के द्वारा इंजर्ट, जिसके वजह से अब हमें जॉन सिना रिप्लेस करते हुए दिखेंगे बैरन कॉर्बिन को रेसलमेनिया 35 में। इसके अलावा गाइस, हम सब ने पिछले वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा था कि रोंडा रॉजी का डैना ब्रूक के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अटैक कर दिया था WWE ऑफिशियल्स पर, जिसके बाद रोंडा रॉजी और उनके हस्बैंड वहां से चले गए। इसलिए गाइस, हो सकता है कि इस वीक WWE रोंडा रॉजी को कुछ पनिशमेंट देते हुए दिखे। इसके साथ साथ गाइस, हो सकता है कि हमें यहां पर बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर देखने को मिल जाए। इसलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में। इसके साथ साथ गाइस, हम सब ने देखा था कि पिछले वीक के रॉ के एपिसोड में बटिस्टा ने काफी कुछ कहा था ट्रिपल एच को, इसलिए हो सकता है कि इस वीक ट्रिपल एच अपने प्रोमो में उन सब बातों का रिप्लाई करते हुए दिखे। इसके अलावा गाइस, बात करें कि सेथ रॉलिंस क्या कुछ करते हुए दिख सकते हैं हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, तो गाइस हो सकता है कि सेथ रॉलिंस का हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिले जहां पर वो बात करे ब्रॉक लेसनर के बारे में। और गाइस, आप सबको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन हो सकता है कि हमें नेक्स्ट रॉ में पॉल हेमन देखने को मिल जाए और हमें सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच माइकी में बहस देखने को मिले। और गाइस, हो सकता है कि अगर WWE हमें शौक देना चाहती हो तो नेक्स्ट रॉ में ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा गाइस, हम सब ने पिछले वीक के रॉ के एपिसोड में देखा था कि रिको सेट ने फेस किया था जिंदर महल को, इसलिए हो सकता है कि इस वीक हमें एलिस्टर ब्लैक फेस करते हुए दिखे जिंदर महल को, क्योंकि गाइस हम सब जानते ही है कि अभी रिको सेट और एलिस्टर ब्लैक का कोई फिक्स अपोनेंट नहीं है, जिसके वजह से उन्हें WWE कभी भी किसी भी मैच में डाल देती है। और गाइस, बात करें कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें रोमन रेंस का क्या रोल देखने को मिलने वाला है, तो गाइस हो सकता है कि हमें रोमन रेंस अपना और अपने शील्ड ब्रदर्स का बदला लेते हुए दिखे ड्रू मैकइंटायर से। और गाइस, आप सबको पता ही है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है जो कि है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लेस्ली वर्सेस फिन बैलर के बीच। और गाइस, मैंने आप सबको बताया था कि आखिर कैसे यहां पर हमें जीत देखने को मिल सकती है ड्रू मैकइंटायर की। और गाइस, अगर आप सबको नहीं पता तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसलिए गाइस, हो सकता है कि जब नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तभी थीम सॉन्ग प्ले होगा रोमन रेंस का और वो आकर अटैक करेंगे ड्रू मैकइंटायर पर और रेस कर देंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को, और वो अनाउंस कर देंगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ड्रू मैकइंटायर का चैलेंज। यानी कि गाइस, हमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच कंफर्म होते हुए दिखेगा रेसलमेनिया के लिए जो कि होगा रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। यानी कि गाइस, कह सकते हैं कि नेक्स्ट रॉ काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट रॉ को तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या नेक्स्ट वीक के रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस अपना बदला लेने में ड्रू मैकइंटायर से कामयाब होंगे या फिर नहीं। इसके अलावा गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।